नमस्कार, सुप्रभात। आज प्यारी सी सुबह में हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से कहा कि यदि मैं आपके विश्वास को तोड़ दूं, आपके भरोसे को ठेस पहुंचाऊं, तो आप क्या करेंगे? भगवान ने बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया, कहा, तुम पर विश्वास करना मेरा फैसला था, अब मेरे विश्वास को बनाए रखना तुम्हारी मर्जी। सचमुच मित्रों, भगवान को हम पर, हमारी काबिलियत पर, हमारे सदव्यवहार पर बहुत भरोसा है। पर चेक करें कि क्या हमें ईश्वर पर सदा ही भरोसा बना रहता है या हमारा विश्वास कभी कभी डगमगा सा जाता है। तो आज की इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आपने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा जरूर होगा। वो बाहर से मिट्टी को थपथपाता है और अंदर से उसे प्यार से सहलाता है। देखा जाए तो हमारे जीवन रूपी घड़े का कुम्हार यानी भगवान भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से परिस्थितियां चाहे हमें कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, परंतु हमारा कुम्हार अपने साथ और हाथ से हमें सदा ही अंदर शक्तिशाली बनाता ही रहता है। तो यदि आप अपने जीवन रूपी घड़े को भी उस घड़े की तरह सुंदर व मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने कुम्हार यानी भगवान पर भरोसा रखें। वो किसी भी हालत में आपको टूटने नहीं देगा। दुनिया में यदि आपकी इच्छा अनुरूप सब कुछ होने लगे, तो उस परमात्मा का धन्यवाद करें कि उसने आपकी इच्छा को इतना महत्व दिया। और यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध होने लगे, तो उसका और धन्यवाद करें, क्योंकि अब वो कार्य उसकी इच्छा से होने वाला है। कुछ भी हो जाए, बस परमात्मा पर सदा भरोसा रखें। ओम शांति। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पैसे से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, पैसे से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन एक बात पर आप सभी का ध्यान खिंचवाना चाहूँगी कि पैसे से आराम का सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। पैसे से दवाइयां खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। मित्रों, हमारा स्वास्थ्य अनमोल है। इस स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है और सबरंग कार्यक्रम आपके स्वास्थ्य को लेकर सदा ही सतर्क रहता है। तो हमारा अगला सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ आज स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी सावधानी लेकर आया है, आइए सुनते हैं। ओम शांति। हम गुड नाइट स्लीप एज एंटी एजिंग के बारे में बात कर रहे थे। खास करके हम उन बहनों के बारे में बात कर रहे हैं जो पेरिमेनोपॉजल हैं। तो हमने आपको अभी तक से बताया था कि हम ऐसा क्या ना करें जो हमारे स्लीप हाइजीन को प्रभावित करता है। आज हम जानेंगे हम ऐसा क्या करें। तो चलिए जानते हैं डूज। सबसे पहले तो आप पूरे दिन में फिजिकली एक्टिव रहने का प्रयास करें। एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इससे निद्रा तो आपको अच्छी आएगी ही, लेकिन आपके मसल भी तो स्ट्रेंथन होंगे। दूसरा क्या करें, एक स्लीप शेड्यूल बनाएं और उसी को फॉलो करें। एक ही समय पे सोने जाएं और उसी समय पे जागे, क्योंकि बताया था ना, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है और उसके लिए जो हमारा ये डायूर्नल रिदम है, इसको हमें मेंटेन करेंगे तो वो और सहायक होगा उसके लिए। सोने जाने से आधा घंटा पहले हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई बुक रीड करें, लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन नहीं, बुक रीड करें। कुछ ऐसा स्लो मेडिटेशन म्यूजिक हम सुन सकते हैं सोते सोते। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में तो ये नियम है कि सोने जाने से पहले आपको आधा घंटा परमात्मा को अपने दिन भर का हर बात अर्पित कर देना है। तो सारा बोझ हम उन्हें दे के सोते हैं और आधे घंटे हम मेडिटेट करते हैं, दिन भर का चार्ट उन्हें देते हैं। उसके अलावा जिस कमरे में आप सोती हैं, उस कमरे का टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमरा गर्म होगा तो आपको हॉट फ्लैश ज़्यादा हो सकते हैं।
तो उसका भी ध्यान हमें ज़रूर रखना है। जब आप गहरी नींद में एंटर कर रही होती हैं, उसी समय अपने ब्रेन को जब आप ये संकल्प देती हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, तो आप अगले दिन इसका प्रभाव देखिएगा। पूरा दिन ही मन शांत रहेगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगी। स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें, गुड नाइट स्लीप को फॉलो करें, ताकि हम ज़्यादा दिन तक यूथफुल रह सकें। ओम शांति। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन। नौ देवियों की स्तुति में कहा जाता है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना का दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ को ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है तो तापश्चारिणी भी कहा जाता है, जो उनकी कठिन तपस्या के स्वरूप को दिखाता है। कहा जाता है कि माँ ने कठिन तपस्या करके ही इस स्वरूप को धारण किया। तो नवरात्रि का दूसरा दिन और माँ का ये स्वरूप नारी शक्ति को किस प्रकार दर्शा रहा है, कौन सी नारी शक्ति को दर्शा रहा है, क्या आध्यात्मिक रहस्य इसके पीछे छिपा है, आइए देखते हैं नवरात्रि नारी शक्ति में। नवरात्रि के पावन पर्व के द्वितीय दिवस पर ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। साधना के मार्ग में ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व है। हमें दैहिक और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठना है और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमें साधनारत रहना है। जब पवित्रता का हमारे जीवन में धारणा नहीं होती है और हम देह भान में रहते हैं, तो हमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। इसलिए साधना का प्रथम अभ्यास है कि हम देह भान से परे हो जाएं, क्योंकि जब हम आत्मविस्मृत होते हैं और देहभान में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे मन और बुद्धि दुनिया से, देहधारियों से और भौतिक पदार्थों से जुड़ जाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं के पीछे व्यक्ति भागता है, अपना समय, धन, शक्ति उसमें खर्च करता रहता है। लेकिन ब्रह्मचारिणी जीवन हमारे मन को शुद्ध करता है, और ये हमें समझना है कि अगर आत्मिक उन्नति करनी है तो हमें भौतिक इच्छाओं को कम करना चाहिए। तो नवरात्रि के द्वितीय दिन का ये दिव्य संदेश ब्रह्मचारिणी माता के द्वारा हमें मिलता है। ओम शांति। मित्रों, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तारीफें ही की जाती है। सचमुच यदि जीवन में कभी निंदा होती भी है, अपमान होता भी है, तो निराश न हो, बल्कि उस निंदा को, उस अपमान को अपने सफलता की सीढ़ी बना दें, तो वही निंदा आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और जीवन के इसी निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय में सदा खुश रहने की कला ही ब्रह्मा कुमारियाँ सिखा रही हैं। और कैसे ये इस सुंदर कला को जन जन तक पहुंचा रही है, आइए देखते हैं आज की पीस न्यूज हाइलाइट्स में। विशेष रूप से मधुबन निवासियों के लिए 3 दिवसीय द लाइट फिल्म लगाई गई, जिसमें बड़े ही उमंग उत्साह से भाई बहनों ने फिल्म का भरपूर आनंद लिया।
लाइट मूवी बनाई है वो बहुत बहुत अच्छी है, और कई पार्ट्स बहुत इमोशनल टचिंग वाले हैं कि एकदम हार्ट को छू जाए। और जो सॉन्ग्स है कि हमारा जो पिक्चर वाला सॉन्ग है कि हमारे इस माटी में जो एक काया माया लग रही है, इतना हार्टफुल सॉन्ग बनाए कोई समझे तो भी उसको दिल को छू जाए। तो मैं सभी पूरे बॉलीवुड की टीम को बहुत बड़ा थैंक यू, और उनके जो काम को सराहनीय है जो इतना मेहनत करके मूवी बनाई है बाबा की सेवा के लिए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। मित्रों, सचमुच भगवान जीवन के हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। हम जब जब उन्हें याद करते हैं वे तब तब हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें, क्यों ना सारे दिन भर में हर कर्म करते उनके साथ की सुंदर अनुभूति में रहें। सचमुच उनके साथ से हमारा पूरा दिन बहुत सुंदर बन जाएगा। मित्रों, कल पुनः ऐसी ही सुंदर बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।